इस साप्ताहिक का न्यूज़ की बात करें तो भाई यहाँ पर सबसे पहले हेलोवीन के इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हेलोवीन इवेंट काफ़ी ज़्यादा नज़दीक भी है और बुया इवेंट भी इसी बीच में भी चलेंगे। तो खैर हम हेलोवीन के इवेंट की बात करें तो भाई इसके अंदर ना चार प्रकार के बॉक्सेस देखने को मिलने वाते हैं। यहाँ पर कॉफिन बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर मेल फीमेल के बंडल जो कि पुराने वाले और भी कुछ ईटीसी रिवॉर्ड्स रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर स्पूकी बॉक्स भी रहेंगे, हॉरर बॉक्स है, स्कॉर्पियो बॉक्स है, लेकिन ये तीनों बॉक्स में अभी कुछ आइटम्स नहीं डाले गए फिलहाल के लिए बॉक्स के डिजाइन देख। इन बॉक्सों से मेरे को ये याद आया कि ग्रेवयार्ड, जी हाँ, अपने बरमूडा के अंदर ग्रेवयार्ड प्लेस है, वहां पर बस आप जैसे जैसे जाते ना वैसे वैसे अंधेरा छाता जाता है, जैसे लगता है मानो भूतिया जगह है। और बहुत ही कमाल की चीज जगह है, और इतना ही नहीं, इतना भी कहा जा रहा है कि ठीक हेलोवीन के दौरान ही आपको क्रिमिनल बंडल्स भी रिटर्न होते हुए देखने को मिल जाएंगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई अभी तक इनका कोई आता पता नहीं है और इनको दिवाली में ही आना था, बट कहीं ना कहीं पोस्टपोन हो गए, ये हेलोवीन तक सीमित में रहने वाले हैं। बाकी यार वहाँ पर देखा जाए तो हेलोवीन का इवेंट का इंटरफेस बहुत ही अजब गजब तरीके से दिखाया गया है। रिवॉर्ड्स भी पुराने हैं, कुछ नए भी हैं, तो अच्छा ही है। बुया थीम पर आपको एक इवेंट देखने को मिलने वाला है, देखो वो तुम्हें पता ही है, मेरे को बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन उसका जो पैड रिवॉर्ड्स होंगे ना वो एक रिंग इवेंट में आएंगे, जैसे कि 8 से 10 नवंबर के आसपास में ये डेट है कंफर्म। फिलहाल के लिए बुया इवेंट आने में अपने थोड़ा सा लंबा समय है। यहाँ पर बात कर लेते हैं यार OV47 का एडवांस सर्वर के बारे में, जो कि 15-16 नवंबर से ही मतलब पहले ही लागू होंगे, जहाँ पर पहले बंदे गेम खेलेंगे। तो भाई उसके अंदर क्या क्या आने वाले हैं? सबसे पहला चीज तो यार नए पैट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है इस बार, क्योंकि कई दिनों से मतलब कुछ महीनों से देखो तो जब से ओवी अपडेट आ रहा है तब से यार हमें कोई पैट ही नहीं देखने को मिल रहे, मतलब पैट का बिल्कुल ही लापता लगा रखे, बस कैरेक्टर की भंडार। तो सर्वे के अकॉर्डिंग गरेना ने एक वोट लिया था जिसमें से एक प्रकार के मतलब जानवर के बारे में दिखाया गया है, उनमें से हिप्पो का संभावना ज्यादा है, क्योंकि इसके थीम पर बैनर अवतार, पैंट्स, यहाँ तक कि ग्लूवॉल स्किन वगैरह वगैरह हमें देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पैट हमें देखने को नहीं मिलता है। तो हो सकती है शायद इसके थीम पर कोई पैट भी हो जो एडवांस सर्वे में हमें देखने को मिल जाए, मैं भी अगर गलत हूंगा तो भाई कोई और ही पैट होगा, बट अभी अंदाजा यही लगाया जा सकता खैर ज्यादातर बंदे थैमनल को देखकर ही आए होंगे। तो भाई अगर देखा जाए तो यहाँ पर जैमर 2.0 भी देखने को मिल सकता है क्या? तो भाई देखो इसके रिगार्डिंग कुछ खास ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट हाँ जैसे कि तुम्हें पता है कि जैमर का यूज इस तरह है, एनमी को ना आपका लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाता है अगर ये आपके पास इक्विपमेंट हो, लेकिन हो सकता है कि इसको और अपडेटेड वर्जन में कुछ से तब्दील करने के लिए और यूजेज में आए, इसलिए शायद इसको एक नया दृश्य भी दिया जा सकता है। फिलहाल के लिए ये एक ऑफिशियल अपडेट न्यूज नहीं है कि भाई इसके अंदर जैमर 2.0 देखने को मिलेगा, फिलहाल के लिए बस इतना मान के चलो कि ये एक क्लिक पेड थंबनेल बनाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर न्यू करेक्टर की बात करें तो भाई न्यू करेक्टर तुम्हें एडवांस सर्वर के प्रीवियस वीडियो में ही बहुत पहले बता दिया था कि एक आर पार देखने वाला एबिलिटी है, एक टेलीपोर्ट वाला ही टाइप का एबिलिटी है, तो भाई वही उनमें से कोई एक करेक्टर हमें OV47 में देखने को मिल जाएगा। क्या पता कि शायद OV47 का सबसे स्पेशल नारुतो थीम करेक्टर ही देखने को मिल जाए, हो सकता है भाई, ठीक है पॉसिबिलिटी हो। बाकी न्यू मैप के भी बारे में भी कहा जा रहा है, तो भाई अभी देखो भाई क्या क्या चल रहा है। बस यही कुछ अपडेट्स थे जो मैंने आपको कवर करके बता दिया है, बाकी और कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको जाना होगा तो भाई शॉर्ट विजिट करना मत भूलना न्यू एडवेंचर। बाकी यहाँ पर लास्ट न्यूज के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थाला करेक्टर का 2025 में IPL होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि उसी दौरान थाला का आपको इवेंट भी फ्री फायर के अंदर देखने को मिल जाए और स्पेशली जर्सी भी। देखा जाए OV47 अपडेट तो ये स्पेशली विंटरलैंड इवेंट को भी प्रोत्साहित करता है।